बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ नईमुल्ला एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ईलन विद टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्राम स्टैनिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ ग्राम स्टैनिंग, हु डिवेलप ग्राम स्टैनिंग, इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राम स्टैनिंग या पर्पज़ ऑफ ग्राम स्टैनिंग, और चौथे नंबर पर है प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टैनिंग। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्हाट इज ग्राम स्टैनिंग? ग्राम स्टैनिंग इज अ मेथड ऑफ स्टैनिंग यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एंड क्लासिफाई बैक्टीरियल स्पीशीज इनटू टू लार्ज ग्रुप्स। ग्राम स्टैनिंग हमारे पास एक मेथड है स्टैनिंग का, जो कि हम मोस्टली यूज करते हैं ताकि हम बैक्टीरियल स्पीशीज़ को डिफरेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके दो बड़ी ग्रुपों में। फॉर एग्जांपल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव। ग्राम स्टैनिंग हम इसलिए करते हैं कि आया ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। ठीक है, हु डिवेलप ग्राम स्टैनिंग? दिस स्टैनिंग प्रोसीजर डिवेलप इन 1884 के अंदर ये जो ग्राम स्टैनिंग का जो मेथड है या टेक्निक है जो कि हम लेबॉरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं, इसको डिवेलप किया गया था बाई दानिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम। दानिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम ने उसको डिवेलप किया था 1884 के अंदर। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्राम स्टैनिंग या purpose of gram staining. Gram staining is important to differentiate between gram positive and gram negative bacteria. ये हम इसलिए perform करते हैं gram staining ताकि हमें पता चल सके कि आए ये जो bacterial infection हुआ है ये gram staining gram positive bacteria की वजह से है या gram negative bacteria की वजह से है। It is important in the identification of many bacteria. ये हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम यूज़ कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक बिकॉज इन जनरल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर मोर ससेप्टेबल टू पेनिसिलिन जी देन आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये हम इसलिए भी करते हैं कि मोस्टली जो हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो मोर ससेप्टेबल है पेनिसिलिन जी को, लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमारे पास मोस्टली पेनिसिलिन जी को रेजिस्टेंट है। तो इसलिए भी हम ग्राम स्टैनिंग कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। इससे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्टैनिंग के प्रोसीजर पे आते हैं। इसके अंदर हमारे पास फोर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर वन, द क्रिस्टल वॉलेट डाई स्टेन्स ऑल द सेल्स पर्पल। सबसे पहले जो चीज़ हम करते हैं लेबॉरेटरी के अंदर, तो हम स्लाइड बना देते हैं। ठीक है, फिर हम कर देते हैं उसको फिक्स। तो हम फ्लेम के फ्लेम जब भी हम ऑन कर देते हैं तो इसके ऊपर हम उसको राइट लेफ्ट मूवमेंट देते हैं। जब भी ये फिक्स हो जाता है तो फिर इसके ऊपर हम क्रिस्टल वॉलेट डाई स्टैन कर देते हैं, और जितनी भी सेल्स हैं उसका कलर जो हमें नज़र आता है फिर हो पर्पल नज़र आता है। ठीक है, द आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू फॉर्म अ क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कम्प्लेक्स। फिर हम उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देते हैं। इसको हम किस पर्पज़ के लिए, ताकि जो हमने क्रिस्टल वॉलेट डाई जो डाले थे हमने, तो उससे क्या हो जाए, क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कम्प्लेक्स, ताकि उससे एक कम्प्लेक्स बन सके। ऑल सेल्स कंटिन्यू टू बी अपीयर पर्पल। और फिर भी हमें जब भी हमारे पास क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कम्प्लेक्स बन जाता है तो इसके बाद भी हमारे पास सेल्स पर्पल नज़र आएंगे। द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एसीटोन और इथेनॉल एक्सट्रैक्ट द पर्पल डाई कम्प्लेक्स फ्रॉम द लिपिड रिच अर्थन वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारे पास, तो इसके ऊपर जब भी हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालते हैं, फॉर एग्जांपल एसीटोन है, इथेनॉल है या अल्कोहल है, जो भी है इसके ऊपर आप डाल लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये इसका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है हमारे पास, और उससे क्या हो जाता है, जो पर्पल डाई कम्प्लेक्स था वो सब रिमूव कर जाता है। ठीक है,
टू अ ग्रेटर डिग्री देन फ्रॉम द लेपिड पुअर थिक वॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म अपेयर कलरलेस। इस स्टेप के बाद जब भी आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल एसीटोन इथेनॉल अल्कोहल जो भी चीज़ आपके साथ लेबॉरेटरी के अंदर जो भी सॉल्वेंट आपके साथ लेबॉरेटरी के अंदर मौजूद है अगर आप उसके ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं तो इसके बाद अगर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो हमारे पास ये कलरलेस नज़र आएगा, अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो ये आपको स्टिल पर्पल नज़र आएगा। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन पर्पल। तो क्या होगा, ग्राम पॉजिटिव हमारे पास फिर भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर्पल नज़र आएगा। इसकी वजह यह है कि इसका जो सेल वॉल है ये हमारे पास थिक है और इसके अंदर जो लेपिड है वो पुअर है हमारे पास, लेकिन जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसका जो सेल वॉल है वो थिन है और लेपिड रिच है। तो इस वजह से उसके अंदर जब भी आप उसके ऊपर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ कर देते हैं तो उस वक्त एसीटोन या इथेनॉल या अल्कोहल उससे क्या कर देता है, पर्पल डाई कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्ट कर देता है तो वो कलरलेस रह जाता है। द रेड डाइज सेफ्रनिन स्टेन द डी कलराइज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव सेल्स रेड आर पिंक द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिमेन पर्पल। तो ये सेफ्रनिन डाइज हम सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इस्तेमाल कर देते हैं कि अगर ये बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम नेगेटिव है तो उसका जो कलरलेस था ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करने के बाद तो उसका कलर चेंज होगा रेड या पिंकिश कलर पे, तो इसलिए हम उसको ग्राम स्टेनिंग के थ्रू क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि आया ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है उसको समराइज़ कर देता हूँ। हीट फिक्स सैंपल, आपने सबसे पहले क्या करना है, हीट करना है ताकि हमारे पास जो सबसे पहले आपने स्लाइड बनाना है लेबॉरेटरी के अंदर सैंपल से, फिर आपने उसको फिक्स करना है हीट के थ्रू, ठीक है। फिर आपने ग्राम डाइस को यूज़ करना है जिसके अंदर हमारे पास क्रिस्टल वॉलेट डाई है और उसको आपने 20 to 30 सेकंड आपने उसके ऊपर रहना है, ठीक है। फिर आपने आयोडीन को इसके ऊपर डालना है ताकि हमारे पास जो क्रिस्टल वॉलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो बन सके। फिर आपने डीकलराइजिंग सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहीं एसीटोन है इथेनॉल है या अल्कोहल है जो भी आपके साथ लेबॉरेटरी में मौजूद है तो आपने उसके ऊपर डालना है, इसको हम डीकलराइजिंग सॉल्यूशन कहते हैं और इसको आपने 20 to 40 मिनट तक रहना है। फिर आपने सेफ्रनिन डालना है। सेफ्रनिन डीकलराइजिंग सॉल्यूशन का ये एम है कि अगर हमारे पास ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो उसका जो सेल वॉल है वो थिन है और लेपिड से क्या है लेपिड रिच है, तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास ऐसा करेगा कि उससे जो कलर है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा। तो जब भी आप इसके ऊपर फिर सेफ्रनिन डाल लेते हैं तो उसका कलर वो लेता है हमारे पास, क्योंकि वो अगर ग्राम नेगेटिव है तो उस वो कलरलेस बन जाता है डीकलराइजिंग सॉल्यूशन के बाद, ठीक है। तो जब भी आप सेफ्रनिन ऐड कर देते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त इसका कलर हमारे पास पिंक या रेड रेड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर ये स्टिल हमारे पास पर्पल है तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया हमारे पास ग्राम